देन ये तो हो गए हिस्टोग्राम। अब अपन आते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या देखें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो लिखा है प्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल एंड ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट इफ द टॉप साइड ऑफ कंसेक्यूटिव रेक्टेंगल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। कैसे होते हैं ये देखो, नंबर ऑफ रूम, ये नंबर ऑफ रूम है, नंबर ऑफ हाउसेस, ये नंबर ऑफ हाउसेस है, ये आपका वाई एक्सेस है, ये आपका एक्स एक्सेस है, ये आपका जीरो है। अब नंबर ऑफ रूम वन है, ऐसे हाउस है 10, तो वन पे लिखा ये 10, टू पे है 15, तो टू पे है 15, थ्री पे है 20, तो थ्री पे है 20, फोर पे है 10, तो फोर पे है 10, फाइव पे है 5, फाइव पे है 5, और सिक्स पे है 4, तो सिक्स पे है 4। अब इन सभी को जीरो से यानी यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, इनको सबको कनेक्ट कर दिया जाएगा, सही है, और इसको एंड तक लाना भी है, ठीक है। मतलब इसको जीरो से स्टार्ट करना है और एंड तक लाना है, जीरो से स्टार्ट करना है और एंड तक लाना है, ये बात ध्यान रखना। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का कंपलसरी पॉइंट है। इसमें एक वैल्यू लिख लो 7 की, कितनी है, जीरो, ठीक है, हो गया। आगे चलें तो देखो ये चीज हम कंटिन्यू सीरीज में देखते हैं। लिखा है द फॉलोइंग इज द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम एंड कन्वर्ट इनटू अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यानी पहले हिस्टोग्राम बनाना है, तो देखो एज दे रखी है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरह से, एंड नंबर ऑफ वर्कर 15, 25, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। ये जीरो है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, यहाँ नंबर ऑफ वर्कर लिखा है, यहाँ एज लिखी है। अब 20 to 30 की एज, 20 to 30 की एज, में नंबर ऑफ वर्कर है 15, तो 15, ये देखो। तो इस तरह से सबके जो है ना, ये आपके हिस्टोग्राम्स जो हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। फिर उनका कंस्ट्रक्टिव हिस्टोग्राम वो तो कर दिया, एंड कन्वर्ट इंटू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, वो मैंने आपको बताया, हमेशा आपका जीरो से स्टार्ट होगा आपका यहां से, और वो इनके सबके मिड पॉइंट जो हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट है ना टॉप पे, उनको सबको आपको एक पॉलीगॉन के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा, सही है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा था, क्योंकि हिस्टोग्राम भी बनाना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी, तो हिस्टोग्राम बना दो और हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको एक पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के थ्रू कनेक्ट कर दो, तो ये भी आपका एक तरीका हो सकता है। कई स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बार डायग्राम और हिस्टोग्राम तो एक जैसे हैं, पर देर आर सम डिफरेंस। जैसे ये हैं आपके बार डायग्राम, ठीक है, आप देख रहे हैं बार डायग्राम के बीच में स्पेसिंग है ना, यहाँ गैप है ना, ये तो बार डायग्राम में है ना इस तरह से स्पेसिंग होती है, लेकिन हिस्टोग्राम में कोई स्पेसिंग नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा आप अनइक्वल क्लास इंटरवल में अगर आप देखेंगे ना, तो हिस्टोग्राम की विड्थ भी मैटर करती है, सही है, जबकि बार जो है वो सारे सिंगल लाइन होते हैं, और आपके इनके कोई जो जो विड्थ है वो कोई मैटर नहीं करती, आप देख रहे हैं, जबकि यहाँ अनइक्वल के कारण अपन ने विड्थ जो है ना वो मैटर की थी, इसका मतलब उसका असर जो है वो आपका पड़ता है। तो ये बेसिक दो डिफरेंस है। इसके अलावा जो बार डायग्राम है वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों सीरीज के लिए बनाई जा सकती है, लेकिन जो हिस्टोग्राम जो आप ये बना रहे ना, ये सिर्फ कंटिन्यूस सीरीज में ही बन सकता है, ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए नहीं बनता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेज हैं, ध्यान रखिएगा, ओके। आगे चलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी कर्व है। फ्रीक्वेंसी कर्व ऑब्टेन बाय ड्राइंग ए स्मूथ फ्री हैंड कर्व। अब ये फ्री हैंड कर्व है, ये जो पॉलीगॉन था ना ये स्ट्रेट लाइंस थी, इस तरीके से जोड़ा गया था, लेकिन यहां आप देखेंगे ना तो बात तो वही है कि पहले आपके सारे हिस्टोग्राम बनाए गए ये सारे, फिर उनके मिड पॉइंट जो है ना ये वाले, इनको फ्री हैंडली जोड़ा गया, इनको कोई स्ट्रेट लाइन नहीं दी गई है, सही है। ये तो हिस्टोग्राम है और ये फ्रीक्वेंसी कर्व है, तो फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो फ्री हैंड होता है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, ये बात अपन को ध्यान रखना, यानी इनमें एंगल होते हैं, ये एकदम फ्री हैंड कर्व जाता है, तो ये फ्रीक्वेंसी कर्व है, ये बात ध्यान रखना। इसलिए क्वेश्चन में लिखा था कि ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी कर्व फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्री हैंड कर्व माना जाता है, ओके। बेसिक डिफरेंस इन दोनों में यही है, सही है, आगे चलते हैं। और ये है अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, है ना। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है लेस देन ओजाइव और एक होता है मोर देन ओजाइव, ठीक है।
कैसे होते हैं ये सब चीजें, ये अपन को समझनी पड़ेगी। इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली इनकम ऑफ 60 पीपल इन ए कंपनी ड्रॉ लेस देन करो। ये आपको डेटा दे रखा है ना। अच्छा ये 6 नहीं है, ये 8 है, ठीक है, ये 6 नहीं है, इन सब में गलती से 6 प्रिंट हो गया है, दिस इज 8। ओके, तो ये आपको डेटा दे दिया गया है और इससे आपको कह रहा है लेस देन ओजाई भी बनाइए और मोर देन ओजाई भी बनाइए। तो पहले तो लेस देन आपको सेट करना आना चाहिए कि ये जो डेटा दे रखा है आपका 10-10 का डिफरेंस और नंबर ऑफ पीपल दे रखे हैं, तो इसको अपन कैसे बनाएंगे। जैसे ये दे रखा है 10 to 20, तो इसका मतलब लेस देन 10 तो कोई मतलब ही नहीं है, लेस देन 20 से इसकी शुरुआत करेंगे और 10-10 का डिफरेंस जो है वो लिखेंगे। सही है, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60 एंड लेस देन 70। और इनको क्या करना है, अपन को लेस देन इनको क्यूमुलेटिव करना है। जैसे ये 6 है तो पहले में 6 आ जाएगा, दूसरे में 6 and 9 15 आ जाएगा, इस तरह से ये चलेगा। ये आपका 6 है, 6 और 9 15 15 10 25 25 and 15 40 40 and 12 52 52 and 8 60। ये लेस देन का आपका जो डेटा है बन गया। तो लेस देन 20 कितना है 6, लेस देन 30 कितना है 15, इस तरह से चलेगा। तो लेस देन 20 है आपका 6, देख रहे हैं आप, लेस देन 20 कितना है 6, फिर लेस देन 30 है आपका 15, लेस देन 40 है आपका 25, लेस देन 50 है आपका 40, लेस देन 60 है आपका 52 और लेस देन 70 है आपका 60। और इनको आप कनेक्ट कर दीजिए, ये आपका बन गया लेस देन हो जाए। सही है, यानी डेटा को पहले आपको लेस देन कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद वो लेस देन हो जाए आप बना सकते हैं। इसी से आप मोर देन हो जाए भी बना सकते हैं, डेटा तो यही है। इसमें आप क्या करेंगे, मोर देन 10 लेंगे कि मोर देन 10 कितना, मोर देन 20 कितना, इस तरह से आप इसको बनाएंगे। तो देखिए अपन देखते हैं इसी क्वेश्चन को, अब मोर देन से करते हैं, लेस देन से तो हमने कर रखा है। होगा मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, डेटा यही है ना, इसको क्यूमुलेट जो है ना वो हम नीचे से करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी पहले 8, देन 8 एंड 12 20, इस तरीके से। ठीक है, तो पहले आपका आ गया 8, देन 8 एंड 12 20, 20 एंड 15 35, तो 35 एंड 10 45, 45 एंड 9 54, 54 एंड 6 60। इस तरीके से ये आपका जो ग्रुप है ये पूरा बन गया। ठीक है ना, ये गलत कैलकुलेशन हो गई, ये ग्रुप्स हैं। अब मोर देन 10 60 है, मोर देन 20 54 है, तो देखो मोर देन 10 60 है, मोर देन 20 आपका 54 है, मोर देन 30 आपका 45 है, मोर देन 40 30 आपका 45 है, मोर देन 40 आपका 35 है, मोर देन 50 आपका 20 है, मोर देन 60 आपका 8 है, और इनको आप क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, मोर देन हो जाए। क्लियर है, तो लेस देन से आपका बनता है ये लेस देन हो जाए, ये आपका मोर देन हो जाए। और इसी क्वेश्चन को मैंने एक बार वापस से किया है, ये आपका लेस देन हो जाए जा रहा है ये जो पूरा गया है, और ये आपका मोर देन हो जाए जो है वो आ रहा है। जहां लेस देन और मोर देन हो जाए आपका इंटरसेक्ट होता है उसको आप नीचे ले आइए, जहां ये इंटरसेक्ट होके एक्स एक्सिस पे टकराएगा वहां आपका क्या निकल जाएगा, वो आपका मीडियन निकल जाएगा, जिसे कि हम आगे जाके एम से डिनोट करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपका बनेगा, आपको एक डेटा दिया जाएगा, उस डेटा से आपको लेस देन डेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा जो कि ऊपर से क्यूमुलेटिव होता है, फिर आपको मोर देन डेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा जो नीचे से क्यूमुलेटिव होता है, देन उसका आपको ओजाई बनाना पड़ेगा, जहां ये ओजाई इंटरसेक्ट करेगा उसको एक्स एक्सिस पे लाना पड़ेगा, और उस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे, मीडियन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में लगभग आता ही है, इसका आपको ध्यान रखना है। सही है, एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व। देखो बनते तो दोनों एक तरीके से ही हैं,
बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ऑल द टॉप्स ऑफ द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के टॉप पॉइंट का जो मिड वैल्यू होता है उसको अपन एड ऑन करते हैं। लेकिन जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है उसमें फुट रूल यानी आपको स्केल का यूज करना है, बट फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो फ्री एंडली बनता है। ये इसका सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो अपन को ध्यान रखना है। सही है। फिर आता है डिफरेंट शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व। देखो बहुत सारी शेप्स हैं। एक्चुअली ये सारी शेप जो है ना ये एडवांस स्टेट्स में आप पढ़ेंगे कि नॉर्मल कर्व की क्या होती है, यू शेप कर्व कौन से होते हैं, पॉजिटिव स्क्यूड कर्व क्या होते हैं, नेगेटिव स्क्यूड कर्व क्या होते हैं, बाइमॉडल कर्व क्या होते हैं, जे शेप्ड कर्व क्या होते हैं, रिवर्स्ड जे शेप क्या होते हैं, मिक्स कर्व क्या होते हैं। इन सबके जो जो शेप्स है ना वो मैंने लास्ट पेज पे यहाँ डाले भी हैं। बट एक्चुअली ये क्या है कि सारे के सारे है ना आपके एडवांस स्टेट्स में काम आएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपके स्कूल में जो है यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो अपन इनको जो है इग्नोर कर रहे हैं। ये बस आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि हाँ भाई इस टाइप के शेप जो है वो होते हैं। वो जब आप मेरे स्टेट्स के एडवांस वीडियो देखोगे ग्रेजुएशन के, उसमें आपको सबका इनका डिटेल मिलेगा। 11th लेवल पे इनका डिटेल जो है ना इतना जरूरी नहीं होता है, वो पूछा भी नहीं जाता। सही है, तो अब देखिए आगे चलते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करो और ओजाई, तो अपन ने लेस देन और मोर देन के मेथड से इनको किया भी है कि कैसे होता है और अपन इनको देख भी लिया। आगे देखते हैं अपन अर्थमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ। सही है, तो ये क्या होते हैं, एंड अर्थमेटिक लाइन ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम सीरीज ग्राफ, इनको टाइम सीरीज ग्राफ भी कहते हैं, ध्यान रखना है। इन दिस ग्राफ टाइम आवर डे डेट वीक मंथ ये यूज होते हैं, प्लॉटेड अलॉन्ग एक्स एक्सेस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो वाई एक्सेस पर होती है। यानी जो आवर डे टाइम वीक वो सब हमेशा ईयर यहाँ चलेंगे आपके, ठीक है, वो आपके एक्स एक्सेस पे चलेंगे और बाकी जो डेटा वो ऊपर चलेगा, इसलिए इसको टाइम सीरीज कहते हैं। इसमें भी एक तो होता है वन वेरिएबल ग्राफ। वन वेरिएबल ग्राफ क्या होता है, उसमें एक ही वेरिएबल है, ये ईयर दे दिए, सीमेंट का प्रोडक्शन दे दिया, ये ईयर लिखा, ये सीमेंट का प्रोडक्शन लिखा हुआ है। 2001 में था 60, 2001 में 60, 2002 में था 90, 2002 में 90, ठीक है, 2003 में था 75। एक सिंगल लाइन है, इसको बोलते हैं वन वेरिएबल। जब ऐसे ये भी सिंगल है तो ये भी वन वेरिएबल कहलाएगा, है ना, ये भी आपका अलग अलग डेटा दे रखा है, ये भी सब, ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है ये वन वेरिएबल ग्राफ है, इनमें एक ही वेरिएबल है, एक ही वैल्यू है। लेकिन आगे अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आपको मिलेगा टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ। इसमें क्या है, ईयर दे दिया, इंपोर्ट भी दिया और एक्सपोर्ट भी दिया, दो वेरिएबल आ गए, एक वेरिएबल ये हो गया, एक वेरिएबल ये हो गया। सही है, तो अब देखो डेटा कैसे बनेगा। ईयर तो एक्स एक्सिस पे आने हैं, ये बात तो तय है ना। एक तो आपका बनाया जैसे 1998 में इंपोर्ट है 1200, तो इंपोर्ट है ये 1200 और एक्सपोर्ट है 2200, ये 2200, फिर है 1800, तो इस तरह से चल रहा है। तो एक लाइन तो ये जो आपकी बनी ना, ये बनी एक्सपोर्ट्स, ये तो है ये डैजेस वाली है ना, ये तो एक्सपोर्ट्स की, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ना ये वाली, ये बनी इंपोर्ट्स की, ये इंपोर्ट्स की है और ये जो डैजेस लाइन है ये किसकी है, ये एक्सपोर्ट्स की है। तो इसमें दो वेरिएबल काम आ गए, तो ये कहलाएगा टू वेरिएबल। फिर एक वर्ड आता है, व्हाट इज फॉल्स बेसलाइन। सर फॉल्स बेसलाइन क्या होती है, फॉल्स बेसलाइन ये है कि आप है ना यहाँ 5-5 का डिफरेंस देना चाहते हैं, क्योंकि आपके डेटा के अकॉर्डिंग 140, तो आप यहाँ देख रहे हैं 115, 120, 125, 130, 35, लेकिन आप जीरो से स्टार्ट करोगे तो 110 तो बहुत ऊपर जाके आएगा, तो इसलिए आप क्या करते हो यहाँ ब्रेक कर देते हो, और यहाँ इस तरीके से ये जो है वेव के स्टाइल में ये ब्रेक कर देते हो आप, इसको इसको बोलते हैं फॉल्स बेसलाइन। कि भाई वैसे तो जीरो से मेरे को 110 तक आना पड़ेगा, तो मेरा ग्राफ पेपर इतना बड़ा तो होता ही नहीं है, तो मैं जीरो के बाद उसको ब्रेक कर देता हूँ, उसको बोलते हैं फॉल्स बेसलाइन। सही है, और उसके बाद मैं 5-5 का डिफरेंस दिखा देता हूँ कि भाई ये जीरो से चालू है और फिर 5-5 के डिफरेंस पे, पर मैं एग्जैक्ट नहीं दिखा सकता क्योंकि इतनी मेरे ग्राफ पेपर पे जगह नहीं है, तो यहाँ इस तरीके से वेव डालकर उसको फॉल्स बेसलाइन बना दिया था कि इसकी बेसलाइन ये है। ये जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज फॉल्स बेसलाइन, तो ध्यान रखना। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू यूज फॉल्स बेसलाइन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रॉब्लम, जरूरत पे। व्हेनेवर द डिफरेंस बिटवीन जीरो एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज वेरी लार्ज, जीरो के बाद पहली वैल्यू 110 बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो फिर आप है ना वाई एक्सिस को ब्रोकन करते हो और वहां फॉल्स बेसलाइन को क्या करते हो, इनपुट करते हो। सही है, और इसी का ये तो था वाई एक्सिस पर। अगर एक्स एक्सिस पर ऐसा करना पड़े कि जीरो और स्मॉलेस्ट वैल्यू के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, तो यहां एक नॉट डाली जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं किंग्ड लाइन। क्या बोलते हैं, किंग्ड लाइन। देखो ये होती है एक्स एक्सिस पर, ये किस पर है, एक्स एक्सिस पर, जबकि जो फॉल्स बेस लाइन थी ना वो एक्स एक्सिस पे नहीं थी,
वो किस पे थी, वो थी वाई एक्सिस पे। देखो वाई एक्सिस को ब्रोक किया अपन। कई लोग यहां भी नॉट का यूज कर लेते हैं, वो आप देख लेना आपके टीचर आपको क्या कहता है। बुक्स में तो इसका यही लिखा है, ये आपकी किंग लाइन सही है। तो किंग लाइन होती है वो एक्स एक्सिस पर होती है, ये बात ध्यान रखनी। ये वेरियस जो है डायग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, जो मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से ये जो किंग्ड लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फॉल्स बेस लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेस देन मोर देन हो जाए हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में स्पेशली इनका अपन को ध्यान रखना है। तो ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, आप एक दो बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा। ओके, थैंक यू।